नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम, आप सबका स्वागत है द करंट स्टोरी में। कोरोना कर्फ्यू लगातार बढ़ता जा रहा है। भोपाल में 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। कयास लगाए जा रहे हैं शायद और भी बढ़े। कोरोना कर्फ्यू ज़रूरी है संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए या कम करने के लिए, लेकिन साथ में आम आदमी की कुछ समस्याओं के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। आज हम बात करेंगे प्रियंका नगर स्थित श्री कृष्णा कैंपस रहवासी समिति के अध्यक्ष प्रदीप रणदिवे जी से कि बतौर अध्यक्ष उनके पास रहवासियों की या आसपास के लोगों की कैसी समस्याएं आ रही हैं और किस प्रकार की मदद वह उनसे चाहते हैं। प्रदीप जी, स्वागत है। आप रहवासी समिति के अध्यक्ष हैं, आपके कैंपस के लोग आपसे कुछ ना कुछ मदद के लिए या जानकारी के लिए आपसे संपर्क करते होंगे। किस तरह की समस्याएँ आपको बताते हैं और क्या मदद वो मांगते हैं? सर्वप्रथम तो नमस्कार। समस्याएं तो उन लोगों की सबकी आती है, क्योंकि कुछ क्वारंटाइन भी हैं, कुछ घरों से नहीं निकल रहे हैं, सामान लाना है, यहाँ पे कोई किराने की शॉप्स खुल नहीं पा रही हैं, मार्केट खुल नहीं पा रहा है, गवर्नमेंट की सख्ती की वजह से वो लोग भी रोड पे नहीं जा रहे हैं। तो आए दिन फ़ोन आते रहते हैं कि हमको ये भिजवा दो, हमको वो भिजवा दो। मेरी भी दुकान है, लेकिन मैं एक दुकान खोल नहीं पाता हूँ, सिर्फ दूध का ही व्यवसाय कर पा रहा हूँ सुबह शाम। तो फिर भी उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सामान अरेंज करा के देना पड़ता है। समस्याएं तो इन लोगों की चली आ रही है। प्रदीप जी एक व्यवसायी भी हैं, वह खुद किराना स्टोर का संचालन कर रहे हैं काफ़ी वर्षों से। जानते हैं कि बतौर व्यवसायी प्रदीप जी के पास उनके ग्राहक कैसे संपर्क करते हैं और क्या समस्याएं उनको बताते हैं। फिलहाल वह सिर्फ दूध बेच पा रहे हैं और कुछ नहीं, लेकिन समस्याएं तो उन तक आती हैं। प्रदीप जी, आपके ग्राहक आपसे किस तरह की समस्याएं बता रहे हैं या किन चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं जो उनको पूरा नहीं हो पा रहा है? समस्याएं तो काफ़ी आ रही हैं, क्योंकि हर आदमी को दूध के साथ साथ और भी सामानों की ज़रूरत पड़ती है और वो घर से निकल नहीं पा रहे हैं। तो वो हम ही को फ़ोन करते हैं कि साहब ये अरेंज करवाओ, वो अरेंज करवाओ। हम कोशिश करते हैं इधर उधर से कहीं से उनको अरेंज करा के दें, क्योंकि दूध के साथ साथ आपको दाल भी चाहिए, आटा भी चाहिए, नमक भी चाहिए, तेल भी चाहिए, कुछ बच्चों की चीज़ें भी चाहिए होती हैं उनको, तो वो सब अरेंज कराना पड़ता है। तो समस्या तो काफ़ी विकट चल रही है। सरकार भी अपनी तरफ से पूरा लगी हुई है और सरकार के प्रोटोकॉल में कुछ शॉप्स को उन्होंने ऑथराइज़ किया हुआ है जो होम डिलीवरी करें, लेकिन एक्चुअली क्या है, एरिया काफ़ी बड़ा है और उनके संसाधन काफ़ी सीमित है, तो वो इतना कर नहीं पा रहे हैं। और दूसरा ये हो जाता है कि अब वो लोग ऑर्डर्स लेते हैं कि 1000-2000 के ऊपर के। अब मिडिल क्लास लोग हैं या गरीब लोग हैं जिनको 50 रुपये का सामान चाहिए, वो कहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे? एक तो उनके पास मोबाइल सुविधा नहीं होती है, तो उनको बहुत दिक्कत आती है। तो ये सब चीज़ें करवाने में उनकी हम मदद करते हैं, अपने नाम से कुछ बुलवाते हैं, फिर देते रहते हैं उनको, इस टाइप से कर रहे हैं। सब बड़ी विकट समस्या चली आ रही है। इस सबको हम सबको सरकार के साथ मिलकर सबसे निपटना है। और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मास्क लगाइए, प्रोटोकॉल डिस्टेंसिंग रखिए, प्रोटोकॉल का पालन करिए, डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क लगाइए, घर से अनावश्यक ना निकलें, बहुत ही आवश्यक हो तो ही घर से निकलें। और इसी के साथ मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ कि अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और अपने आस पड़ोसियों का भी ध्यान रखें। प्रदीप जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि सरकार ने ऑनलाइन होम डिलीवरी की सुविधा दी है, लेकिन यह बहुत ही ज़रूरी है जानना कि कितने लोग उसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बड़े ब्रांड जो होम डिलीवरी कर भी रहे हैं, पहला तो दिन बहुत बाद आ रहा है, आप एक को ऑर्डर करेंगे तो 15 तक डिलीवरी आएगी, दूसरा जो उनकी शर्त है कि 3-4 हज़ार से कम में वो होम डिलीवरी नहीं कर रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनकी राशन की जो रिक्वायरमेंट है वो बमुश्किल 800 हज़ार या 1200 के बीच में है, लेकिन उन लोगों की समस्याओं पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। हालांकि अभी सरकार ने कुछ रिटेलर्स को ऑथराइज किया है सप्लाई करने के लिए, पर जैसा प्रदीप जी ने बताया कि वह कम पड़ेगा, क्योंकि भोपाल की जनसंख्या बहुत है, लोगों की ज़रूरतें बहुत हैं और इतने कम रिटेलर्स इतनी बड़ी नीड को कैटर नहीं कर सकते हैं। प्रदीप जी से जानेंगे कि वह सरकार को बतौर व्यवसायी और बतौर रहवासी समिति अध्यक्ष क्या सलाह देना चाहेंगे ताकि आम लोगों की समस्याएँ कम हो सकें। मैं तो एक साधारण सा छोटा सा व्यापारी हूं, लेकिन सरकार को ये जानकारी देना चाहता हूं, या सजेशन देना चाहता हूं कि सरकार को चाहिए कि गली मोहल्ले की या कस्बे की छोटी छोटी दुकानें हैं उन्हें खोलने के लिए दिन भर ना खोलने दें, कुछ घंटे के लिए उनको प्रतिबंध हटा दिया जाए जिससे खोलें। क्योंकि मोहल्ले की दुकान होते हैं, मोहल्ले के दुकानदार हैं, सब आपस में परिचित होते हैं, तो आराम से सोशल डिस्टेंसिंग करके एक एक करके लाइन करके उनको सामान दे सकते हैं। और इससे क्या होगा कि मेन रोड पे भी वर्क रोड नहीं आएगा, ज़्यादा पब्लिक नहीं जाएगी, और गलियों में भी 8-10 दुकानें होती हैं,
तो कहीं ना कहीं किसी न किसी की ज़रूरत का सामान पूरा हर दुकानों से उसको मिल ही जाएगा। तो सरकार से गुजारिश है कि ये छोटी दुकानों को भी थोड़ा सा परमिशन दिया जाए कि कुछ समय के लिए वो दुकानें खोल सकें, जिससे उनका भी रोज़गार ठीक चल सके, उनके दुकान का मेंटेनेंस हो सके, उनका दुकान का किराया निकल सके। क्योंकि इस समय दुकानें बंद हैं तो मकान मालिक तो अपना किराया छोड़ेगा नहीं, तो वो तो लेगा ही लेगा। ये सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से अपने को और अपनी सरकार को निपटना है और कोरोना पर विजय पाना है। जय हिंद। प्रदीप जी के अनुसार सरकार को कुछ निर्णय और लेने चाहिए ताकि आम आदमी की समस्या का निराकरण हो सके। आपकी भी कोई समस्या तो हम तक पहुंचाएं, हम पूरा प्रयास करेंगे आपकी आवाज़ सरकार शासन प्रशासन तक पहुंचाने का। हमारा प्रयास कैसा लगा ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।